सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः, शान्तिः, अन्तरिक्ष शान्तिः, शान्तिः, पृथिवी शान्तिः, शान्तिः, आपः शान्तिः, शान्तिः, ओषधयः शान्तिः, शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वे देवाः शान्तिः, कामः शान्तिः, शान्तिः, क्रोधः शान्तिः, शान्तिः, ब्रह्मः शान्तिः, शान्तिः, सर्वः शान्तिः, शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, शान्तिः, सामः शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नोऽभयं कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु, सुशान्तिर्भवतु, सुशान्तिर्भवतु। मद्रालय के स्वामी तुम ही हो? हाँ, क्यों? शिशुपाल नाम के किसी व्यक्ति को जानते हो? यहाँ तो हर दिन कई लोग आते हैं। अच्छा, लेकिन आप कौन है? अभी पता चल जाएगा। इससे पहले कि महाराज
दंत के लोग मुझे मार डाले, उसे मेरे हाथ मार देंगे। शिशुपाल, उनके हाथों मरने के बजाय मैं आपके हाथों मरना पसंद करूंगा। शिशुपाल, मेरी आपसे एक प्रार्थना है महामंत्री। तुम्हारी किसी योग्य प्रार्थना को आज तक मैंने अस्वीकार किया है शिशुपाल, तो आज आप मेरे लिए मगध की सीमा से सुरक्षित बाहर निकलने की व्यवस्था करवा दें, मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा। शिशुपाल, यदि तुम जैसा साहसी पुरुष भी धीरज छोड़ देगा तो मगध माटी के लिए प्राण देने वालों को कहां से लाएगा? पर इसी तरह से चलता रहा महामंत्री तो मुझ जैसे कईयों को मिट्टी में गाड़ दिया जाएगा, मरने के बाद चिता को आग तक नहीं मिलेगी। कुछ करिए देव, मरघट पर भी एक शव आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। शव? पंथामनपस्पशानं वैवस्वतगं संगमनंजनानां यमगं राजानगं हविषादुवस्यता इदं त्वा वस्त्रं प्रथमं वागन्नपैतदूहयतिहा विभवपुरा इष्टापूर्तमनुसंपश्य दक्षिणां प्रणाम महामंत्री। यही मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। हाँ देव, शव का अग्नि संस्कार क्यों नहीं किया गया? आज्ञा नहीं है देव। क्या मृतक के मृत्यु के संबंध में कोई छानबीन हो रही है? नहीं देव। तो फिर किसकी आज्ञा की प्रतीक्षा है तुम्हें? महामंत्री ही नियम बनाते हैं और महामंत्री ही नियम भूल जाते हैं। आप ही ने तो आज्ञा दी है। चंडाल, झूठ बोल रहे हो तुम। किसने तुम्हें यह सूचना दी? मुझे तो आज्ञा मिली थी देव की लकड़ी पर कर ना चुका सकने की अवस्था में किसी को भी लकड़ियां ना दी जाएं, और आज्ञा तो आप ही के नाम दी जाती है महामंत्री। ये सच ही कह रहा है महामंत्री। पर ऐसी मैंने कोई आज्ञा नहीं दी है शिशुपाल। कैसे कोई रोक सकता है मृत्यु के पश्चात अग्नि संस्कार के नैसर्गिक अधिकार को? महामंत्री देख ही तो रहे हैं। तो क्या आज्ञा है देव? मात्र 5 पण। मगध का पतन यदि इसी गति से चलता रहा तो तुम्हें और पणों की आवश्यकता पड़ेगी। और किन किन वस्तुओं पर कर लगाया गया है शिशुपाल? लकड़ी के अलावा पत्थर, गोंद व चमड़े पर महामंत्री। गोंद पर कर और मुझे पता तक नहीं।
महामंत्री, महामंत्री, का विचार है? इतना ही साहस है तो जाकर धन्नन से पूछो। शिशुपाल, महामंत्री, सारे मगध में आग लगाने की आज्ञा क्यों नहीं दी? क्या नए कर लगाने से पहले महाराज ने मेरी आज्ञा ली थी? फिर क्यों करों की वसूली के लिए नए अधिकारियों की नियुक्ति की आज्ञा मुझे दी जा रही है? नए अधिकारियों की नियुक्ति मुझे करनी है, क्यों करूं मैं? स्वामी, एक दिन हमें मगध छोड़ना पड़ेगा। आज वो दिन आ गया है। पर ऐसा मैंने क्या किया है कि जिसके लिए हमें मगध छोड़ना पड़े? स्वामी, राजनीति में अपने स्वामी और अपने से सामर्थ्यशाली व्यक्तियों के दोष ढूंढना अपने विनाश को आमंत्रण देना है, और मैं अपने परिवार का विनाश नहीं होने देना चाहती। तो तुम भी चाहती हो कि मैं कार्यों की तरह पलायन करूं? हमें हमारे भविष्य की चिंता है पिताजी। मगध के भविष्य में ही तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है बेटे। मगध का भविष्य लिखने का अधिकार तुम्हारा है, मगध के हित में ही तुम्हारा हित है। आप पूरे मंत्रिपरिषद से अकेले नहीं लड़ पाएंगे पिताजी। लड़ना किससे है बेटे? वे भी तो अपने हैं। मुझे उनसे नहीं, उनके अहंकार से लड़ना है, उनके अज्ञान से लड़ना है। जहां सिर्फ तलवार की भाषा समझी जाती है, वहां आपकी कोई नहीं सुनेगा पिताजी। इस लड़ाई में शक्ति नहीं, सत्य निर्णायक होता है बेटे। मेरी शक्ति तो तुम सब। और यदि फिर भी तुम जाना चाहते हो तो जाओ। शक्तार मगध की भूमि पर पैदा हुआ है, वहां मगध की भूमि पर ही मरेगा। आप परिस्थितियों की गंभीरता को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं पिताजी। तो खड़े क्यों हो? जाओ, निकल जाओ यहां से, जाओ। तुम अपने पिता का त्याग कर सकते हो, परंतु मैं अपनी मां का त्याग नहीं कर सकता। जाओ। सुनो, सारा सामान भीतर ले आओ। जाइए, आप भी अपने कर्तव्य का निर्वाह करिए।
किंतु सावधान रहिएगा। सबसे ज्यादा सावधान तो हमें स्वयं से रहना है भामिनी, क्योंकि सत्य की रक्षा का युद्ध कहीं स्वार्थ की रक्षा का युद्ध ना हो जाए। आज तक एक बात नहीं समझ पाई हूं कि कुरुक्षेत्र में निर्णय सत्य ने किया था या शक्ति ने। सुनिए, इसे तो आप भूल ही गए। शिशुपाल, आज से तुम यहीं रहोगे। जिस प्रकार पानी में रहने वाली मछलियां कब पानी पी लेती हैं यह बताना कठिन है, उसी प्रकार मुद्रा विनिमय करने वाले अधिकारी कब मुद्राएं हड़प कर लेंगे यह भी बताना कठिन है। तो आप उस भ्रष्टाचारी के हाथों को पकड़ना चाहते हैं और महामात्य वकनास इस अव्यवस्था व भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं, है ना? क्यों राजपुरोहित, आपको तो बड़ी सहानुभूति है महामंत्री शक्तार से। मैं समझता हूं कि हम यहां जनहित का चिंतन करने आते हैं, ना कि किसी का उपहास करने के लिए। चिंतन पर भृति में से एक पढ़ कम होने पर आप भी तो दौड़े आए थे राजपुरोहित। मंत्री शट्टा, महामंत्री, क्या नए कर वसूल करने की व्यवस्था हो गई? महामात्य, कर वसूली के लिए मैं अभी तक योग्य डाकों को ढूंढ नहीं पाया हूं, इसलिए नियुक्ति में थोड़ी देर हो रही है। कर वसूली के लिए क्या आप डाकुओं को नियुक्त कर रहे हैं? हाँ, चिता में जलने वाली लकड़ियों पर कर मांगने का साहस एक डाकू ही कर सकता है। मगध के गांव की निर्धन माताओं से कर ना मिल पाने की अवस्था में लकड़ियां छीने का साहस एक डाकू ही कर सकता है। नींव के पत्थर पर कर ना मिले तो किसी का घर उजाड़ने का साहस एक डाकू ही कर सकता है। इसलिए मगध के मंत्रिपरिषद से मेरा निवेदन है कि राज के कारावास में बंद डाकुओं को छोड़ दिया जाए और उन्हें कर वसूलने का काम सौंपा जाए, और यदि वो भी इनकार कर दें तो यहां उपस्थित अमात्य व मंत्रीवर्ग इस उत्तरदायित्व का वहन करें। शक्तार, तुम मगध के मंत्री परिषद की तुलना डाकू से करने का दुस्साहस कैसे कर सकते हो? दुस्साहस? मुझे तो अब संदेह होने लगा है कि मगध की सत्ता कहीं डाकुओं के हाथों में तो नहीं है। शक्तार, चीखो और चीखो, परंतु उससे पहले मगध के मंत्रण कक्ष के समस्त द्वारों समस्त वातायनों को खोल दो, ताकि पाटलिपुत्र की प्रजा ये देख सके कि उन्हें भय अग्नि तथा जल प्रलय से नहीं बल्कि हम जैसे गृह शत्रुओं से है। सुनने तो उन्हें भी, मंत्रणा के नाम पर रचे जा रहे यहाँ प्रजा के शोषण के षड्यंत्र का एक एक स्वर। जा रहे हो सब? आज कोई मुझसे प्रजा के हित की बात नहीं करेगा। इसी प्रकार सब चलता रहा तो मगध के कई घर मरघट बन जाएंगे। कौन बताए उन्हें कि जो नमक वे खा रहे हैं उसमें कुछ खारापन मागदों के आंसुओं का भी है। कैसे शुभ हो सकता है, कैसे शुभ हो सकता है।
शुक्राज। किसी डाकू को ढूंढ रहे हो महामंत्री? तुम्हें संदेह होने लगा था ना कि मगध की सत्ता कहीं डाकुओं के हाथों में तो नहीं? महाराज, महामंत्री, डाकुओं को ढूंढने तुम कहां गए थे? देखो, यहां सुगांग महल में डाकू ही तो बैठा है ना। तुम हां क्यों नहीं कहते? मुझे क्षमा करें देव, मैं अपनी मर्यादा भूल बैठा था। नहीं नहीं शक्ता, तुम ठीक कहते थे। डाकुओं में दया नहीं होती। चिता में जलने वाली लकड़ियों पर कर मांगने का साहस एक डाकू ही कर सकता है ना? मगध के गांव की निर्धन माताओं से कर न मिलने की अवस्था में लकड़ियां छीन लेने का साहस एक डाकू ही कर सकता है ना? मगध साम्राज्य में नींव के पत्थर पर कर न मिल सकने की अवस्था में किसी का घर उजाड़ देने का साहस एक डाकू ही कर सकता है ना? मैं आपका अपराधी हूं देव। तुम झूठ बोल रहे हो शक्तार। सारे मगध का अपराधी तो मैं हूं। मैं महापद्मानंद का पुत्र धनानंद ही तो सारे मगध को लूट रहा हूं, है ना? लो, मैंने सारे वातायन खोल दिए, अब तुम चीखते क्यों नहीं? तुम ही तो चीख चीख कर कहना चाहते थे ना कि मगध को भय अग्नि अथवा जल प्रलय से नहीं, धनानंद से है। मगध का शत्रु धनानंद है। चीखो अब। देव, जो भरी दोपहरी में आंखों को बंद कर कहे कि सूरज तो उगा ही नहीं, उन्हें रोशनी कौन दिखा सकता है? इस तरह आप सच्चाई नहीं छुपा सकते। क्या है सच? दुर्बलों का विरोध? सच्चाई तो यह है महामंत्री कि मगध मेरी मुट्ठी में है। इसे छीन सकते हो तो छीन लो, छुड़ा सकते हो तो छुड़ा लो। मगध मेरी मां है देव, इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उसे नए करों के बोझ से मुक्त कराएं। वरना उसका बौराया बेटा अपने स्वामी का भी मान ना रखेगा। शक्तार, लगता है मेरे राज्य में अब कुकरों के भी मुंह बंद करने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आनंद, जाओ और रास्ते में कहीं भटक न जाओ, इसलिए मेरा सेवक साथ ले जाओ।
लो, मैंने सारे वातायन खोल दिए। अब तुम चीखते क्यों नहीं? तुम ही तो चीख चीख कर कहना चाहते थे ना कि मगध को भय अग्नि अथवा जल प्रलय से नहीं, धनानंद से। मगध का शत्रु धनानंद है। चीखो, क्या है सच? दुर्बलों का विरोध? सच्चाई तो यह है महामंत्री कि मगध मेरी मुट्ठी में है। इसे छीन सकते हो तो छीन लो, छुड़ा सकते हो तो छुड़ा लो। शक्तार, लगता है मेरे राज्य में अब कुकरों के भी मुंह बंद करने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तुम हाँ क्यों नहीं कहते? डाकुओं को ढूंढने किसी डाकुओं को ढूंढ रहे हो महामंत्री? अब तुम चीखते क्यों नहीं? मगध का शत्रु सच्चाई तो यह है महामंत्री कि मगध मेरी मुट्ठी में है। इसे छीन सकते हो। प्रजापते द्रुहितरो संविधाने येन संगक्षा उपमास शिक्षा चारु वदानि पितरः संगतेषु। अर्थात सभा और समिति ये दोनों प्रजापति की पुत्रियां हैं। ये दोनों सत्य ज्ञान राष्ट्र के अध्यक्ष को देती हैं। सत्य ज्ञान का अर्थ है कि देश की वास्तविक स्थिति व जनता की इच्छा का ज्ञान। अतः सभा एवं समिति देश की वास्तविक स्थिति व लोक इच्छा का ज्ञान राष्ट्र के अध्यक्ष को देती है। अथर्ववेद में सभा को जनता की आवाज और न्याय का एकमात्र निदर्शन करने वाली कहा गया है। अतः सभा का निर्णय अमान्य नहीं हो सकता। राष्ट्र का अध्यक्ष भी उसके निर्णय से बंधा होता है। यदि प्रजा हित में राष्ट्र अध्यक्ष कोई असावधानी न करे तो यह राष्ट्र समिति राष्ट्र अध्यक्ष के अनुकूल एवं अनुरूप रहती है। पर प्रजा हित के विरोध में कार्य करने पर राष्ट्र अध्यक्ष को पद भ्रष्ट करने में राष्ट्र समिति तनिक भी देरी नहीं करती। ध्रुवच्युत प्रमणे ही शत्रुन शत्रु यतो धरान पादयस्व सर्वा दिशः समनस सदृचि ध्रुवायते समिति कल्पतामि। शेष पाठ कल दोपहर को पूरा करेंगे। सब ठीक तो है? अब तक तो जीवित हूं और मरने की बारी आई तो पीछे नहीं हटूंगा। तू नहीं बदलेगा शक्तार। कुश्ती हो जाए। राजनीति के अखाड़े में तो मुझे तेरा पुत्र भी भारी पड़ता है। कहाँ है विष्णु? आचार्य विनोगुप्त के यहाँ दंडनीति का अभ्यास करता है। राजनीति पढ़ता है या पढ़ाता है विष्णु? भावती भिक्षा में दे। मेरी दृष्टि में राजा की स्थिति एक वेतनभोगी सेवक से बढ़कर कुछ नहीं है। वो स्वामी कहा जाता है पर वो भी औरों की तरह राष्ट्र का सामान्य सेवक है। सार्वजनिक बहुमत से वो भी बदल है। फिर तो वो प्रजा का दास ही हुआ ना। राजा की दास जिस स्थिति ही वस्तुतः उसे नैतिक दृष्टि से स्वामित्व के उच्चासन पर अडिग बनाए रखती है। शासन के सारे अधिकार उसके हाथों में इसलिए दिए जाते हैं कि वह प्रजा का उत्कर्ष भरण पोषण व सुख सुविधा का व्यवस्थापक है। और यदि वो प्रजा का हित करे तो उसे सत्ता पर रहने का कोई अधिकार नहीं। अरे अरे ब्राह्मण, अपना दान तो लेते जाओ। बाद में ये ना कहना कि नंदन नंदन दयालु नहीं है। सुनो ब्रह्मचारी, तुम्हारे दंड की ऊंचाई तुम्हारे साथी के दंड से ज्यादा क्यों? ब्राह्मण का दंड माथे से ऊपर, क्षत्रिय का दंड मस्तक तक होता है और वैश्य का नाक तक। अच्छा, अब ये किसका कहा जाएगा? सुनो ब्राह्मण, यहां आओ, इधर आओ।
अकेले नहीं निकले हो? हाँ। कितना खा रहे हो? भर पेट। तो क्या शास्त्रों ने इसके संबंध में भी कोई नियम बनाया? गृहस्थाश्रम में 32 कोर, वानप्रस्थ में 16 कोर, सन्यास आश्रम में 8 कोर, वो ब्रह्मचर्य में तो भरपेट खाने का आदेश है। अच्छा, तो ये लो, आज इसी से पेट भरो। जाओ, आज का भिक्षाटन हो गया। रुको कार्तिके, मगध की मिट्टी को स्वीकार करो। मगध की मिट्टी तथागत बुद्ध वो महावीर के चरणों के स्पर्श से पुनित हुई है, उसे माथे पे लगाओ। तो थोड़ी मिट्टी तू भी लेता जा ब्राह्मण। दान दिया है तो आशीर्वाद पाओगे ही, मगध की थोड़ी मिट्टी तुम्हारे माथे पर भी लगनी चाहिए। आज तुम पवित्र हुए। सुनो ब्रह्मचारी, क्या नाम है तुम्हारा? अपने देश और कुल का गौरव बढ़ाए ऐसा कोई काम आज तक तो मैंने नहीं किया है, फिर भी मैं तुम्हें अपना नाम बता ही देता हूँ। विष्णुगुप्त हूँ मैं। महापद्म के पुत्र और धनानंद के बंधुओं को तूने आशीर्वाद तो दे दिया, अब तक्षरा भी लेते जाओ। जाओ नंदन, जाओ अपने मार्ग पे ब्रह्मचारी, जाओ। और मिलिंद, आप उन ब्राह्मणों को जाने दे रहे हैं? मैं आपको संयम रखने की सलाह दूंगा, आप शीघ्र ही सुगंग महल पधारिए, महाराज धनानंद आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आवश्यकता थी तुम्हें उसके सिर पर मिट्टी डालने की? विष पाए शिव का वर्षा जुमे, विष पी सकता हूँ पर किसी निर्दोष का अपमान नहीं सह सकता। पर यदि धनानंद के बंधु हथियार चला देते तो? ब्रह्मचारियों के अहिंसा के व्रत का अर्थ कायरता तो नहीं होती? शास्त्रों की रक्षा का प्रण कर या दंड धारण करने वाले यदि आत्मरक्षा न कर सके तो धिक्कार है ऐसे अहिंसा के व्रत को। मैं तो भागने वाला था वहाँ से। ज्ञान पाना है तो डर को अपने मन से निकाल फेंक कार्तिके, क्योंकि कायरों को ज्ञान का अधिकार ही नहीं होता। सत्य के लिए जो संसार को चुनौती दे सके सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का अधिकारी भी वही होता है। विष्णु, तुम किसी दिन हम सबको लड़वाओगे। और भागने का मौका भी नहीं दूंगा। मैं क्या करूं, मंत्री परिषद में अपने मतभेद को व्यक्त करने का अर्थ विद्रोह समझा जाता है चाणक्य। चुप रहता हूं तो मगध कुचल दिया जाएगा, बोलता हूं तो। राजा से पहले तुम प्रजा के प्रति उत्तरदायी हो शक्टार, प्रजा के हित में तुम्हें लड़ना होगा। इस समय तुम चुप रहे तो मंत्री परिषद नंद के हाथों खिलौना हो जाएगा, और ऐसा हुआ तो जब चाहे तब मगध नंद के कदमों में लूटता हुआ नजर आएगा। मुझे डर लग रहा है शक्टार, राजा और मंत्री तो साम्राज्य रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर एक ने भी अपनी धुरी छोड़ी तो गाड़ी उलट जाएगी। मैं इसी गाड़ी को सीधे मार्ग पर लाना चाह रहा हूं आचार्य चाणक्य। तुम्हें अब चौराहे पर आना ही होगा और धनंद के कुचक्रों को सरेआम नंगा करना होगा। इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं शक्टार, और सराहने पे मैं सारे मगध को पुकार सकता हूं। तो विष्णु भी आ गया। प्रणाम आचार्य। महामंत्री प्रणाम। आयुष्मान होगा। कहो विष्णु, नीति के किन्हीं और नवीन सूत्रों की रचना की या नहीं? मगध की बड़ी बड़ी मछलियां इसी तरह पानी पीती रही तो मुझे नीति के नए सूत्रों की रचना करने के बहुत अवसर मिलेंगे। वैसे एक निवेदन है महामंत्री, राजा को कर उसी प्रकार एकत्र करना चाहिए जैसे मधुमक्खी फूलों को बिना कष्ट पहुंचाए मधु एकत्र करती है। आज्ञा दे, आचार्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। प्रणाम आचार्य। आयुष्मान। प्रणाम महामंत्री। प्रणाम। धनंद मगध को अपने संकेतों पर नाचने वाली दासी समझ बैठा है, वह आदेश देता है और सारी व्यवस्था उसके सामने कठपुतलियों की तरह नाचने लगती है। क्यों क्यों मगध आज इतना असहाय है कि चिता में जलने से पहले भी वह लकड़ी पर कर देने को विवश है? पर
इसमें हम पाटलिपुत्र के गुरुकुलों के आचार्य क्या कर सकते हैं? वेदों को हाथों में रख हम कहते हैं कि जिनके हाथ में ज्ञान का शस्त्र है उन्हें किसी से भय नहीं लगता। जब मगध का एक शक्टार सच के लिए अपना स्वर ऊंचा करता है तो उसके स्वर से स्वर मिलाने वाला दूसरा मागध इस मगध में नहीं। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं कि गुरुकुल के गर्भ से सिर्फ कापुरुष व पाखंडी ही पैदा हुए हैं जो सच की बातें तो करते हैं लेकिन सच का निर्वाह करने से कतराते हैं। आचार्य चणक, गुरुकुलों को राजनैतिक विवादों में घसीटा न जाए तो ही ठीक है। गुरुकुल राजनैतिक संघर्ष का हथियार नहीं बन सकते। जो लड़ाई मेरे और आपके लिए हो रही हो उससे आप अलग कैसे रह सकते हैं आचार्य जीवक? शक्टार हम सबके लिए लड़ रहा है। शक्टार विद्रोह की भूमिका बांध रहे हैं आचार्य चणक। सच की मांग को विद्रोह नहीं कहा जा सकता आचार्य जीवक। यदि कल कोई मागध चौराहे पर खड़ा हो चीख चीख कर धन्नन से सच जानने का आग्रह रखे तो क्या उसे विद्रोह की संज्ञा दी जा सकेगी? इसके लिए अच्छा होता कि आप पाटलिपुत्र के राजपुरुषों को बुलाते। जीवक, जो भविष्य के निर्माता होने का दावा करते हैं वर्तमान की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर होती है। तो आप चाहते हैं कि पाटलिपुत्र के गुरुकुलों का एक प्रतिनिधिमंडल महाराज धन्नन तक जाए और उन्हें समझाने का प्रयत्न करे? यही समय की मांग है आचार्य। पर महाराज धन्नन तक जाने का साहस कौन करेगा? मैं तो बूढ़ा हो चला हूं। मैं राजनीति से दूर रहना चाहता हूं। धन्नन तक पहुंचने का साहस मैं करूंगा। प्रणाम बंते। तथागत तुम्हारा कल्याण करे। बंते, जब सारा समाज सो जाता है तो आप अपने विहार से बाहर निकलते हैं। मैं भी आप ही की तरह एक प्रहरी हूं आचार्य। आप मगध के भविष्य की रक्षा करते हैं, मगध के राजकीय प्रहरी लोगों के धन व जीवन की रक्षा करते हैं और मैं नगरवासियों के चरित्र की रक्षा करने का प्रयास करता हूं, उन्हें सद्मार्ग पर लाने का प्रयास करता हूं। भटकता रहता हूं इस अंधेरे में, पता नहीं कब किसे कहां मेरी सहायता की आवश्यकता पड़ जाए। तमसोमा ज्योति गमय
मृत्योर्मामृतंगमयम् यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्योः समृत्युमाप्नोति य इह नामेव पश्यति असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्योः समृत्युमाप्नोति य इह नामेव पश्यति ॐ ॐ निसारे सनि सारे निसारे सनि सारे सा निसारे सनि